उनके बाद में कुछ सेशन भी है, मेंडर्स ऑफ लीडर्स उन लोगों के साथ में हमारा मुलाकात है। एंड अहमदाबाद का होस्ट और अपना पूरा टीम हमेशा चाहता है अहमदाबाद को ओपन को और बेहतरीन बनाए। ये जितना भी नया लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है उनको एक अच्छा होप मिले, उनको ये बिजनेस करने के लिए हिम्मत आ जाए। इसके लिए अलग हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा भरोसा दिलाने के लिए। आज वो लेके आए एक बिजनेसमैन को लेके आए, बद्रीश भाई ने प्लान दिखाया, एक सक्सेसफुल बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेसमैन अपना बिजनेस को छोड़ के साथ साथ में एमवे बिजनेस क्यों बिल्ड किया एंड उसमें कितना वो एक्साइटेड है, वो कितना पैशनेट है आप देख सकता है। एंड उनको इन्वाइट किया उनको बारे में कुछ सुनने के लिए। साथ साथ एक लीडर है निमेश ने गांधी, आर्किटेक्ट है, प्रोफेशनल है, एक बिजनेसमैन है, एक प्रोफेशनल है, सक्सेसफुल कैरियर का साथ साथ में उन्होंने भी अपने आए आज अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तीसरा हमारे साथ में बुलाया, वो अभी आपने सुना है कितना डिग्री लेके आए हैं, डिग्री लेके पीएचडी और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया गणेश जी, हमारे खास मित्र है ना भाग्यवती जी। तो इतना सारा पढ़े लिखने के बाद में भी आप सोचो ये आदमी सीरियसली क्यों कर रहे हैं बिजनेस को। तो जितना भी नए लोग बिजनेस देख रहे हैं आज का दिन में, उनको एक किसी ने किसको बुला के कुछ फंसाने नहीं आया, यानी आपको लेने के लिए गारंटी भी नहीं है। आज आपको तय करना है क्या मैं उसके लिए क्वालिफाई हो जाता हूँ इनके साथ में काम करने के लिए, जहां ये सब सक्सेसफुल लोग इन्वॉल्व है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल प्रोफेशनल, सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट, उन लोगों के साथ में मुझे काम करने के लिए मैं क्वालिफाई है कि नहीं। इसलिए उन लोगों को कुछ एक्सपीरियंस सुनने से आपको हिम्मत मिलेगा कैसे बिजनेस को शुरू करें। तो मैं उनका अलग अलग लोगों को, बद्रीश जी को पहले कुछ सवाल, गिरा जी को भी सवाल कुछ करता हूँ, शायद ये सवाल आपके लिए काम आएंगे, है ना। सवाल ये बद्रीश भाई है ना, बद्रीश भाई स्पोर्ट, बद्रीश भाई आपने सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेस में आप बिजी था पहले से भी, तो उस समय में आपको ये बिजनेस देखने का मौका कैसे मिला, आप खुला दिमाग से कैसे देखा है एंड देखने के बाद में आप उसको समझा कैसे, क्या यह बिजनेस को आप इतना करोड़ों को अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है तो यह बिजनेस को बिजनेस जैसा कैसे समझा एंड आप उसको कैसे समझा एंड अपनाया, आपका स्टोरी थोड़ा सा आप शेयर करेंगे दोनों तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके थैंक्स प्रिविलेज, बहुत अच्छा प्रिविलेज दिया आपने। सबसे पहले तो एज अ बिजनेसमैन उसको कुछ देखने की चीज ही पसंद नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन को आप दिखता है ऐसे प्लाईवुड ही दिखता है। कोई भी बिजनेसमैन को 5 रुपए का माल 6 रुपए में बेचना है, क्यों हर चीज देखे? एक तो पूरा दिन इतना 10-12 घंटा देना होता है तो उसको कुछ देखने की ऐसी तमन्ना नहीं होती है। लेकिन मैंने क्या हुआ मेरे लाइफ में कि जो बंदा मेरे से प्लाईवुड खरीदता था वो मेरी ऑफिस पर आया, सिर्फ 10-12 मिनट बात किया होगा, मैंने हाँ बोला, मैं हूं बनिया, गांधी जी ने नियम ग्राहक नो संतोष है आपनो संतोष, तो मैंने उसको हाँ इसलिए बोला कि वो मेरा प्लाईवुड खरीदना बंद नहीं करे। तो मुझे मौका उस हिसाब से मिला कि ये बिजनेस में चलो ठीक है, लेकिन बिजनेस समझ में तब आया कि वो मुझे ऐसी ब्रिट वर्ल्ड वाइड की ओपन मीटिंग में ले जाने के लिए बहुत सारा समय उसको मेरा मुझे इंसिस्ट करता था। 3-4 महीने के बाद मैं गया ओपन मीटिंग में, रियली मैं जो भी फिर से बता रहा हूँ कि हम ओपन मीटिंग की पैदाइश है, आप कुछ भी करके ओपन मीटिंग में एक बार बिठाओ, चाहे वर्चुअल हो ऑफलाइन हो, तो हमको बिठाया, तब पता चला बिजनेस का पोटेंशियल। फ्रेंड्स मैंने बताया पहले मुझे एक सिक्योर इनकम जनरेट करना था, उसने एक और बात किया था कि एक आम के पेड़ में से 100 आम लेते हैं और 100 आम के पेड़ में से एक एक आम लेते हैं, कौन कौन सा पसंद करोगे? तो कम मेहनत में क्या होना चाहिए, एक ही आम के पेड़ में से ले लो, यही अच्छी बात है, 100 आम मिल जाएगा। लेकिन उसने बताया कि अगर आप हर रोज 100 आम लेंगे तो आम का पेड़ खत्म हो जाएगा ऐसे, ओके खत्म हो जाएगा मेरे जैसे, तो ज्यादातर आम नहीं खा सकते, लेकिन अगर ये आम का पेड़ गिर गया आधी तूफान में तो भी ज्यादा नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म। अगर 10 आम का पेड़ गिर गया, 90 आम का पेड़ खड़ा है वहां से उसमें से लेंगे तो आप 90% आम ज्यादा टाइम खर खा सकते हैं। कहने का मतलब एक अलग अलग सोर्सेस के आपका इनकम आना चाहिए, राइट? यही इंपॉर्टेंट मैंने देखा। और क्या बताया उसने, बताया मेरा जो मेंटर राज ने बिजनेस आने के बाद, तो क्या बताया, ड्रॉ करके बताया कि आप बाल्टी लेके जाते हो,
हर रोज जाते हो, जाना पड़ता है, चाहे जॉब करो, प्रोफेशन कुछ भी हो, बिजनेस में जाना पड़ता है, लेकिन 2 घंटा शाम को पाइपलाइन के लिए काम करें। ये अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर क्या पावर है, आपको 2 घंटा हर रोज, हमने क्या सीखा, हमने क्या समझा, हर रोज 2 घंटा पाइपलाइन बिछाएंगे, लोग जॉकर आएंगे, पत्ता की कैट में ताश की खेलते तो 2 जॉकर आता है, ऐसे आया, हमको भी आया, लेकिन हम बिछाते गए, थोड़ा मेहनत लगा, पहले महीने का 135 रुपए का चेक आया, लेकिन इतना पता चला आता है, पानी आया, ऐसे करते 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 आप 6-12 महीने में 2 घंटा हर रोज दिया, ओके, 12 महीने का 600 घंटा दिया, आपके घर में पाइपलाइन आ जाएगी, आप नल ओपन करोगे पानी आएगा। हमने ये देखा, ये और उसने एक बात अच्छी तरह से मुझे याद है, बिजनेस में आने के बाद हम क्यों पैशनेटली बिजनेस बिल्ड करते हैं, इसलिए हमको ये मौका मिला बिजनेस करने का। उसने 3 चीज बताया, 3 सवाल किया था फ्रेंड्स। पहला सवाल, उसका नाम प्रेमल देसाई, उसने पहला सवाल किया था कि भद्रेश, अगर तू तेरी ये ऑफिस पर नहीं आता है प्लाईवुड की, तो तेरी इनकम चालू रहेगी नहीं रहेगी, मैनेजर और मालिक में फर्क तो पड़ता है। उसने दूसरा सवाल किया, अगर तेरी हेल्थ चैलेंजेस है और तू दुकान पर नहीं आता है, तो तेरी इनकम चालू रहेगी नहीं आएगी। उसने तीसरा सवाल किया, वो मुझे पूछ सकता है क्योंकि मेरा फ्रेंड भी है। तीसरा सवाल किया कि अगर तू ये दुनिया में नहीं रहता है, तो तेरी इनकम चालू रहेगी, उसका भी सवाल नो है। तब उसने बताया कि और डिटेल में बुक्स ने तब कॉपीकैट मार्केटिंग दिया था, पैरेबल पाइपलाइन दिया, ऐसे बुक दिया, तब मुझे पता चला कि टाइम कंपाउंडिंग का क्या पावर है, ये बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट है। मीरा भी बात करेगी कि हमने क्यों किया, प्लीज। मैं मेरी बात करूं तो मुझे बिजनेस नहीं करना था, लेकिन क्योंकि मैं प्लाईवुड के बिजनेस में हेल्प करती थी, मेरा बेटा था, मैं घर में बिजी थी और प्लाईवुड का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलता था, तो मेरे माइंड में दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन गॉड मास्टर प्लान, हमने ऐसी मीटिंग में आए तो मैंने मीटिंग का माहौल देखा, बहुत सारी लेडीज को बिजनेस करती है वो देखा, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन देखा, तो मैं खुश हो गई। और मैंने प्लान में देखा तो ये बिजनेस तो बहुत काफी सालों से चलता है, तो मैंने सोचने लगी कि हम थोड़े साल के लिए थोड़े लोगों को उल्लू बना सकते, लेकिन ज्यादा साल के लिए ज्यादा लोगों को और ज्यादा कंट्री में उल्लू नहीं बना सकते। एक देश की गवर्नमेंट मूर्ख है, 2 देश की गवर्नमेंट मूर्ख है, इतनी सारे देश की तो गवर्नमेंट मूर्ख नहीं होगी ना, तो ये बिजनेस तो करने जैसा है। और बिजनेस तो पार्ट टाइम करना था, हस्बैंड वाइफ साथ में करना था, वेस्ट टाइम इन्वेस्ट करना था, तो हमने सोचा कि चलो हमारा भी ड्रीम बहुत है, चलो बिजनेस करके तो चालू तो करते हैं, और डिसीजन लेके हमने बिजनेस को बिल्ड किया, तो आज हमारा बहुत सारा ड्रीम पूरा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भद्रेश भाई एंड हीरा जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो हम लोग को भी कुछ सीखने मिला। तो अब मीटिंग में नहीं गया तो आप ये डिसीजन नहीं लेता, तो मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी मीटिंग्स का प्रोडक्ट है। आपने किताब भी पढ़ा, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, कॉपीकैट मार्केटिंग, जो जो आपको रेकमेंड किया किताब भी पढ़ा, ताकि आपको पता है जो किताब में से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है वो बिजनेस सही हो सकता है ना। आपने ये भी देखा इतना सारा कंट्री में बिजनेस चलता है, कुछ लोगों को समय तक उल्लू बना सकते हैं, जिंदगी भर नहीं बना सकता है, तो आप अपना कॉमन सेंस को सही ढंग से इस्तेमाल किया है, तो इसका परिणाम आप इधर बैठे हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे निमिश भाई से, पेशे से आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है। तो निमिश भाई, सवाल आपके लिए, सक्सेसफुल प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आप ये बिजनेस को जब देखा तो ये आप बहुत बिजी थे अपने लाइफ में, ऐसा भी नॉर्मल रूटीन भी आप बिजी थे, तो आपको ये एमबीए बिजनेस में ऐसा क्या लगा आपका जीवन में, ये एक इंद्रधनुष जैसा कलर रंग ला सकता है जो आप अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में से निकल के अब बीसी चल रहा था अपने ही दुनिया में, है ना। आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर का मतलब क्या, सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, उस बीच में आपको ये बिजनेस एमबीए बिजनेस आपका जीवन में इंद्रधनुष जैसा कलरफुल कैसे बन सकता है, ऐसा कैसे आपको लगा? ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन उन्दी जी। ये मेरे को पूरा, ये क्वेश्चन मेरे को पूरा 19 साल पीछे लेके जा रहा है, नो आई एम एबल टू रिवाइंड सो मेनी थिंग्स। सो जस्ट टू गिव एन बैकग्राउंड टू न्यू पीपल, कि जब हमने बिजनेस देखा तो हमारी ऑफिस में काम करता हुआ एक सिविल इंजीनियर ने हमारे को बिजनेस दिखाया था। उसको भी पता है कि रात को 9-9 बजे तक ऑफिस चला रहे हैं और बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर भी उसने हिम्मत करके मेरे को बिजनेस दिखाया। ओके, तो शुरुआत में तो मैं 3-4 बार उसको मना कर दिया, उसको बता दिया ये काम में था, ये काम में था, ये साइड पे था,
और बस थैंक गॉड कि वो लगातार लगा रहा, उसने को ओपन मीटिंग में बुलाया और वहाँ देखने के बाद लाइफ चेंज हो गई, राइट, और पूरा सोच बदल गया, सो मेनी थिंग्स चेंज. बट यू नो जस्ट टू टेल न्यू पीपल, मेरा पूरा क्रिएटिव काम है सुबह से लेकर 9 बजे तक और बाद में शाम को ये डुप्लीकेशन का काम है, राइट. इसमें कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए बिकॉज ऑल रोड मैप इज सेट, द प्लान इज सेट, द मेंटर्स के हमारे स्टेप सेट है, सब कुछ सेट है. तो पूरा दिन क्रिएटिव काम कर रहे हैं, शाम को 2 घंटा वो क्रिएटिव माइंड को ड्रॉअर में बंद करके लॉक लगा रहे और शाम को एक दूसरा माइंड निकाल रहे और डुप्लीकेशन का बिजनेस कर रहे, राइट. तो शुरुआत थोड़ा टफ था बट इवेंचुअली हमने उसके रिवॉर्ड्स देखे ये बिजनेस में. यू नो द ब्यूटी इन दिस बिजनेस इज यू नीड 4 थिंग्स टू सक्सेस दिस बिजनेस. द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव अ ड्रीम. एक अच्छा खासा ड्रीम चाहिए, एक इमोशनल ड्रीम चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम चाहिए, राइट, जो आपको आपके पाथ से डेविएट ना करे. उतना स्ट्रॉन्ग एक ड्रीम चाहिए, राइट. अगर आपके पास ड्रीम है तो वेलकम टू द टीम, राइट. दूसरा चीज है, यू नो यू शुड बी रेडी टू लर्न. आप कुछ सीखने के लिए तैयार होने चाहिए, ओके, बिकॉज ये कुछ सीखेंगे नहीं, ये बिजनेस में कुछ करेंगे नहीं, बिकॉज दिस एमवे बिजनेस एंड ब्रीट वर्ल्डवाइड इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन, राइट. यू मे बी वेरी सक्सेसफुल होल्डिंग सो मेनी डिग्रीज और प्रोफेशनल बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बट ये बिजनेस सीखेंगे नहीं आपसे होगा नहीं. सो द सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू सक्सेस इन दिस बिजनेस इज यू शुड बी रेडी टू लर्न. थर्ड थिंग है, यू शुड बी रेडी टू चेंज, राइट. चेंज लाना होगा बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप 50,000 रुपया हर महीने कमाते हो तो आपके लिए बैड न्यूज ऐसा है कि आप 1,00,000 रुपया नहीं कमा पाएंगे, राइट. बिकॉज अगर जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो आप यू विल नॉट मेक मोर मनी. अगर आप 1,00,000 कमाने को अगर आपको आता था तो आप 50,000 रुपया थोड़ी ना बैठते थे. उसका मतलब अगर ज्यादा पैसा बनाना है तो वन थिंग यू टू एक्सेप्ट कि आप जो कर रहे हो वो इनफ नहीं है, कुछ चेंज करना होगा, सोच बदलनी होगी, एसोसिएशन बदलना होगा, बहुत सारी चीज बदलनी होगी, राइट. सो द थर्ड थिंग यू शुड रेडी टू चेंज. द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड रेडी टू वर्क. अगर काम करने को तैयार है, अगर ड्रीम है, सीखने को तैयार है, चेंज होने को तैयार है और वर्क करने के लिए तैयार है, आप बिलीव कीजिए आपके लिए आज मैजिकल कॉम्बिनेशन है. इफ यू आर रेडी फॉर फोर थिंग्स, योर सक्सेस इन एमवे बिजनेस इज गारंटेड, राइट. नो वन कैन स्टॉप यू बिकॉज हमने जब बिजनेस देखा तब हमने एक अच्छा एक जगह पढ़ा था, उसने बताया कि यू कैनॉट स्टॉप अ पर्सन और आइडिया हुज टाइम हैज कम. यानी आप एक इंसान या तो आइडिया को स्टॉप नहीं कर सकते हो जिसका टाइम आ गया है, राइट. एंड वी थॉट के यस दिस वॉज द थिंग, राइट. और द ब्यूटी ये बिजनेस की ऐसी है, हमारे भी रीजन्स थे बिजनेस करने का. द फर्स्ट थिंग वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रीम कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, जैसे है ऐसे ही फाइनेंशियली नहीं चलेगा, राइट. बिकॉज वी कम फ्रॉम वेरी मिडल, वी यूज टू बी अ वेरी वेरी मिडल क्लास से थे. और दूसरा हमारा गोल था कि हमारे को अर्ली रिटायरमेंट होना है. वी डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर 60 ईयर्स बिकॉज इतना पेशेंस नहीं है. आई एम श्योर बहुत सारे यहाँ अंडर 35 लोग है, यू डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर नेक्स्ट 30, 40, 50 लॉन्ग ईयर्स, राइट. सी जॉब करता हुआ बंदा है ना 58 साल पे रिटायर कर जाता है, बट प्रोफेशनल आदमी है ना वो लाइफ टाइम स्टूडेंट रहता है, वो मरेगा नहीं. जब तक डॉक्टर बेड रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो काम करता है, राइट. सो ये हमारे लिए एक मौका था अर्ली रिटायरमेंट का. एंड थर्ड थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम अ वेरी पावरफुल बुक जो बद्रेश भाई ने बात किया, 21st सेंचुरी की किताब. वो बताता कि अगर आपने आपकी 30s और 40s में एसेट बेस्ड इनकम नहीं खड़ा किया, वापस बताता हूँ, अगर आपने 30 और 40 की एज में आपने अगर आपके लिए एसेट बेस्ड इनकम खड़ा नहीं किया तो आप तैयार रहिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर का सामना करने के लिए आपकी 50 और 60 साल की एज के अंदर अंदर, राइट. दिस वॉट दिस पावरफुल स्टेटमेंट बाय द वेरी सक्सेसफुल फाइनेंशियल एजुकेटर, राइट. सो हमारा गोल था कि कुछ खड़ा करे, कुछ एसेट बेस्ड इनकम खड़ा करे. सो ऐसी बहुत सारी बिजनेस की वजह से एस्टेट खड़ी होगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल बद्रेश एंड गीरा जिसको आपने सुना, दे आर पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. लास्ट 16-17 साल से वी हैव नॉट, दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी सपोर्ट, बट वहां से हर महीने एमबे से पैसा आ रहा है, राइट. सो ऐसी एसेट इन एसेट खड़ी हो रही है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल एसेट, अ पावरफुल टीम, अ गुड लीडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल एसेट, राइट. सो ये बिजनेस में एसेट बनाने का मौका मिला. Fourth thing, we thought we want to live a life of significance. ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही भीड़ में नहीं चले जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे ताकि हम तो बहुत सारे पैसे बनाए पर और बहुत सारे लोग, राइट, जिसको ड्रीम है उसको सपोर्ट कर पाए पैसा बनाने के लिए, राइट. सो दिस वॉज ऑल सम बेसिक थिंग्स फॉर अस टू गेट मैग्नेटेड टूवर्ड्स दिस बिजनेस. एंड वी आर सो हैप्पी कि हमने वो टाइम पे राइट डिसीजन लिया. वी आर सो हैप्पी फॉर ब्रीट वर्ल्ड वाइड एंड अवर मेंटर्स
who guided us because this entire education program hai, you will be hand-holded, aapko bahut support hone wala hai. Agar aapke paas dream hai, to you are the one which whom we are looking for, right? Aap aur hamara right combination hone wala hai, right? So we are excited and thank you Unni ji for this wonderful question. Back to you. Thank you Nimish bhai. Bahut achhi tarah se aapne share kiya information. ये बिजनेस को आपका जीवन में रेनबो कलर कैसे लेके आए, ये बिजनेस आपका क्लियर था, आपका लाइफ और सिग्निफिकेंस है आपने बता दिया. जो 40-50 एज में आप अगर एसेट बेस 30-40 एज में अगर एसेट बेस्ड इनकम ने क्रिएट किया तो 50-60 में डिजास्टर, तो हम देख रहे हैं चारों साइड में देख रहे हैं, तो ये हो ही रहा है. तो आपका रीजन बहुत क्लियर भी था, वो आपको मिल भी गया, वो आपने बता दिया. पिछले 17-18 ईयर्स में आपको लीडरशिप बोनस मिल रहा है अपना टीम से, तो आपका जो सोच था आने का वो भी क्लियर था, अभी आपको रिवॉर्ड मिला वो भी क्लियर था. तो आज जितना भी लोग पहले बार आए उनको लिए रीजन क्लियर हो गया ये बिजनेस क्यों सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना है. एंड सेकंड हम लोग वापस बद्रीश भाई के पास जाएंगे, थोड़ा सा बद्रीश भाई के पास हम क्लियरिटी लेंगे. बद्रीश भाई हम लोग आप ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग बात की अभी सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने आप एंड उसके बाद में आप एमबे बिजनेस को देखा एंड एमबे बिजनेस समझा एंड आप इतना अच्छा सा करोड़ों रुपए का बिजनेस टर्नओवर करते हुए भी एमवे बिजनेस को एक अच्छा सा बिजनेस समझ कैसे किया एंड फिर आप कैसे उसको करने के लिए डिसीजन लिया? ओके थैंक यू उन्निकेशन भाई, आपने जो सवाल पूछा इसके लिए मुझे आधा घंटा चाहिए लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि जब हम प्लाईवुड के बिजनेस में थे तो मैं 7-8 घंटा बैठती थी तो वहां मैं देखती थी भद्रेश बहुत बिजी रहता था, टेंशन में रहता था, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्से हो जाता था. लेकिन ये बिजनेस बिल्ड करने के बाद आज कोई टेंशन नहीं है, अभी उसका गुस्सा एकदम गायब हो गया है और मेरी बात बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनता है, पहले नहीं सुनता था. प्लाईवुड के बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता था वो पुस्तक पर ही रहता था, हम इजीली यूज नहीं करते थे. लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद जो प्रॉफिट है वो हम बहुत अच्छी तरह से इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि अगले महीने और आ जाता है तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है. प्लाईवुड के बिजनेस में बहुत हमने टर्नओवर किया लेकिन कोई कंपनी ने हमने वर्ल्ड टूर भेजा नहीं. लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद हमने टर्नओवर बहुत टर्नओवर हुआ तो हम काफी सालों से वर्ल्ड टूर करते हैं. प्लाईवुड के बिजनेस में भद्रेश 2 साल प्रेसिडेंट रहा और बहुत उसने मेहनत किया तो उसको वहां अकेले को अवार्ड मिला और रिकॉग्निशन मिला. लेकिन हम ये बिजनेस में आने के बाद हमने वही मेहनत किया और जो भी हमने सक्सेस पाया तो हमने दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म में इक्वली रिकॉग्निशन मिला. और प्लाईवुड के बिजनेस में हमने सिखाने वाला कोई कोच नहीं था तो हमारी सेल्फ इमेज नहीं थी, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट नहीं था. लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद हमारा कोच निमिश भाई ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बहुत कुछ सिखाया, हमारा बहुत अच्छा सेल्फ इंप्रूवमेंट हुआ. आज हमारे पीपल स्किल मिला, लीडर स्किल मिला. मैं पहले किसी के साथ बात नहीं करती थी लेकिन आज मैं स्टेज ऊपर आराम से बोल सकती हूँ. थैंक यू ब्रिट वर्ल्ड वाइड और थैंक यू हमारे कोच. ऐसे मेरे पास बहुत से कारण है कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए. लास्ट में इतना ही कहूंगी, पृथ्वी पर एक ही ऐसा बिजनेस है जो आप बिल्ड करते हैं तो आप जो सोचते हैं वो तो मिलता है लेकिन नहीं सोचते वो भी बहुत कुछ मिलता है. थैंक यू. फाइन, मैं रियली जरूर बात करूंगा कि मुझे क्या समझ आया, क्या डिफरेंस है मेरा बिजनेस में और ये बिजनेस करने में. सी, मुझे भी पहले सब डिफरेंस लगता नहीं था लेकिन जो कोच हमारा है ना निमिश, तो बहुत अच्छा हमारा कोच है, मेंटर है, तो उसने बताया कि भद्रेश तू एक बार चेक कर कि तू जो बिजनेस करता है क्या क्या लगाया है, उसमें क्या लगाना है. तो देखा तो आज कोई भी बिजनेसमैन क्या होता है, या प्लाईवुड का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. दुकान, ऑफिस, गोडाउन, स्टाफ, मैन पावर, डिस्पेच, गवर्नमेंट का लफड़ा, जीएसटी, टेंशन, स्ट्रेस, दो रानियां, घर वाली, दूसरी उगरानी, उगरानी को ढूंढते ढूंढते घर वाली को भूल जाते हैं, 10-12 घंटा लगाना पड़ता है. ये सारा सिचुएशन, तभी भी कब पैसा आता है नहीं आता है रिटर्न. मेरा 2006-7-8 में करीबन 30-32 लाख रुपए गया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में पार्टनर था वो भी 11,70,000 करके गया. तो मैंने कंपेयर किया कि एमवे बिजनेस में मुझे क्या रिस्क पॉइंट है. मुझे तो पैसा लगाना नहीं है, मेरा कोई स्टोर नहीं खरीदना है, मुझे कोई ऑफिस नहीं लेना है, कोई गोडाउन नहीं लेना है, कोई मैन पावर, कोई डिस्पेच, सब कोई मगजमारी नहीं है. जो भी मतलब लीगली
प्रोसेस है, सब एमबे करने वाली है। मुझे एक पसंद आया कि मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, एक ही है मुझे बिजनेस बढ़ाना है। तो ये बहुत सारा चीज पॉजिटिव पॉइंट मैंने देखा कि नहीं, ये बिजनेस में एक ही एक अपॉर्चुनिटी अपना अपना खुद का एक नेटवर्क बना सकता है। मुझे बहुत एक अच्छा सोच आया था बिजनेस देखने के बाद। मित्रों क्या आया? टाइम कंपाउंडिंग का क्या आया? मैं पूरा इंडिया में, पूरा गुजरात में 100 दुकान खोल दू, हर दुकान में 10-10 आदमी रखू, मैं तो यार बड़ा नेटवर्क होगा, बहुत अच्छा मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, जैसे जैसे बताया बिजनेस क्वाड्रेंट। लेकिन एक दुकान का 1 करोड़ पूरा निकल चुका है, पॉसिबिलिटी नहीं था मेरे बस में, बात नहीं थी। कहने का मतलब आज मैंने बिजनेस शुरुआत की, तब पता चला कि मेरे लिए शुरुआत किया, तब से लेके आज तक मैं पैशनेटली बिजनेस बिल्ड करता हूं। और इंपॉर्टेंट बात क्या लगा मालूम है? जस्ट लाइक एमवे कहने वाली बहुत सारी कंपनियां आई, आज वाट लग गई है। एमवे क्यों अड़ीखम है 22 साल से इंडिया में? ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, कोच मेंटर है। हमको ये बिजनेस में ज्यादा ये पसंद आया, एक हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, एक अच्छी स्किल डेवलप होती है, एक लीडरशिप स्किल मिलता है, अच्छी सोच होती है। बिजनेस क्वाड्रेंट वाला क्यों वहां है मालूम है? उसकी सोच, उसका माइंडसेट वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्यों है? ऐसे एसोसिएशन में हम ये बिजनेस में ऐसा डॉक्टर एमपी सिंह जैसे बहुत सारे डायमंड के सोच हमको मिला, माइंडसेट हमारा बार बार क्रिएट हुआ, हर बार ओपन मीटिंग अटेंड किया, ये करने से 1.5 लाख रुपया मिलता है, अटेंड करने ये करने से 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो अच्छा एसोसिएशन, अच्छी सोच, अच्छा जो बिना टेंशन बिना करके एक लेगेसी, एक अच्छा रेजल्ट, रेजिडुअल इनकम, अच्छा कोच मेंटर, हम ये करके ये डिसीजन लिया कि हमारे जैसे बिजनेस हमारे लिए, आपके लिए भी हो सकता है एक आपका बढ़िया सा डिसीजन। थैंक यू, ग्रेट प्रिविलेज निकिशन जी, और थैंक यू सुनील जी, धर्मिष्ठा जी, आपने बहुत अच्छा हमको प्रिविलेज दे के आज बहुत सारा हम ब्लेसमेंट बनेंगे आपके थ्रू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू भद्रेश भाई एंड गिरा जी। तो आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है, पहले हमको ऐसा लगता था सब बिजनेसमैन बहुत हैप्पी है, बहुत सक्सेसफुल है बिजनेसमैन। गिरा जी को सुनने के बाद लगता है हर बिजनेसमैन का अगर बिजनेस मिसेस आज प्लान देखा होता तो नीच हो सीट में लेफ्ट एंकर बहुत लायबिलिटी होती है नहीं, ये रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल ट्रिप, फ्रीडम, टाइम, आप उनको बात नहीं सुनते थे तो कम से कम बिजनेसमैन को सुनाने के लिए तो बिजनेस में आते तो बहुत थैंक यू, थैंक यू बिजनेसमैन को कोविड में। थैंक यू। अभी हम लोग के पास स्पीकर बहुत है, फिर भी हम निमेश भाई को सुनने के बाद गणेश भाई के पास जाएंगे, गणेश जी के पास जाएंगे। तो निमेश जी, आप लोगों को एक सवाल आपको करता हूँ। ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ये मीटिंग बहुत सारा यंगस्टर्स देख रहा है। आज भारत में 60 करोड़ से ज्यादा जो मेजोरिटी यंगस्टर्स ग्लोब में भारत में है ऐसा बोलता है, इसलिए हर इंडस्ट्री भारत में आना चाहता है, हर इंडस्ट्री भारत में डेवलप होना चाहता है। तो आज का आपका मैसेज हम लोग, आप जितना भी नए बच्चे लोग है U35 under 35 में जितना भी लोग खुद का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, है ना, आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपने आप से एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे एमवे को ऐसा कैरियर तौर पे बना के वो डेवलप कर कुछ के एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, क्या आपका नजर में ये ऑप्शन किस तरीके से कितना बेस्ट हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी एमवे अपॉर्चुनिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो आपसे सुनना चाहता हूँ क्या हो सकता है। जिन लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं, राइट, मैंने ऐसे देखा है कि नॉर्मली यंग एज में है तो टाइम पे लोग स्टार्टअप के लिए थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा होते हैं, राइट। आप जरूर स्टार्टअप कीजिए बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट सो मेनी इनोवेशन इन ऑल द फील्ड, इंडिया नीड्स सो मेनी न्यू इनोवेशन, राइट। सो आप जरूर कीजिए, बट अगर यू नो आपके लिस्ट पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, अच्छा पैसा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रीडम, अच्छी हेल्थ, अगर ये सब चीज पे अगर आपका भी उस पर भी फोकस अगर है, राइट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिन लोग नए हैं U35 में है, राइट, तो आप जरूर ये बिजनेस को एक बार स्टडी कीजिए, राइट। हम नहीं बोलते कि ये बिजनेस आप करिए, बिकॉज ये बिजनेस में यू नो हम भी, जब आपको इच्छा होगी कि हम आपके साथ जुड़े, हम आपको पार्टनर है, तभी हम आपको पार्टनरशिप ऑफर करने वाले हैं, राइट। बट मीन टाइम व्हाट वी सजेस्ट कि आप ये बिजनेस को समझिए, ऐसा सोचिए, एक 15 दिन का टाइम स्पेंड कीजिए, 1 महीने का टाइम स्पेंड कीजिए,
आप कुछ थीसिस कर रहे हो एमवे बिजनेस के ऊपर और आप ढूंढिए कि लोग ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, विल कम टू नो कि इसके जैसा बेस्ट बिजनेस ये पृथ्वी पे नहीं है, राइट। मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो या कुछ नया ढूंढ रहे हो, एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट होता है लाइफ में सफल होने के लिए, उसको हम बोलते हैं ओपीएम ओपीटी। मैं बताता हूँ क्या है ओपीएम, उसका मतलब अदर पर्सन्स मनी। अगर आपके घर में अदर पर्सन्स मनी आ रहा है तभी आप वेल्थ क्रिएट होने वाली है। सोचिए, आप आपके पिताजी को पैसा दे रहे, पिताजी आपकी मम्मी को दे, मम्मी आपको दे रही है, आप आपकी वाइफ को दे रही है, अगर पैसा घर में ही रोटेट कर तो पैसा बढ़ नहीं रहा है, बराबर ना। अगर बाहर से हम पैसा कमा के लाएंगे तभी जाके पैसा बढ़ने वाला है, राइट। सो अदर पर्सन्स मनी ये बिजनेस में हो रहा है, शायद आपकी जॉब में नहीं होता है वो और आपके बिजनेस में भी नहीं होता है, बहुत टाइम में बिजनेस में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बद्रेश भाई ने बोला, बद्रेश भाई के बिजनेस में है पैसा, टर्न ओवर होता है, तो टर्न ओवर के उसको पैसा लगाना पड़ता है, राइट। और दूसरा पावरफुल कंसेप्ट है ओपीटी, अदर पर्सन टाइम। अगर आपके बिजनेस में अदर पर्सन टाइम है तभी जाके आप जल्दी रिटायर करने वाले हो ना, पूरे 60 70 80 साल तक आप काम करने वाले हो। सो ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट, आप देखिए अगर आपके बिजनेस में ओपीएम ओपीटी हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, आप सफल होंगे। पर अगर नहीं हो रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। एमए बिजनेस में ओपीएम हो रहा है, वी हैव टीम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वी हैव टीम ऑफ सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन कैनेडा ऑल्सो। उन लोग यहाँ सो रहे, वहां ब्रश कर रहे, उसका पैसा आ रहा है, किसी के घर का खर्चा रही है, आप समझिए। सेम अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है आज, ओके। अदर पर्सन टाइम, बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में जो खुद बिजनेस बता रहे, खुद रिटेलिंग कर रहे, खुद लोगों को जोड़ रहे, कोच कर रहे, मेंटर कर रहे, सो उन सब जो टाइम का डाल रहे उसका भी बिजनेस बढ़ रहा है ना। और हमारे टीम लिए क्या हो रहा है, अदर पर्सन टाइम भी हमारे लिए ऐड हो रहा है। यानी आज मेरा 24 घंटे में से अगर मैं 2 घंटा एमए बिजनेस करता हूँ, पर मेरे टीम में 3-4 हजार लोग है जो हर रोज 2 घंटा बिजनेस करते हैं, तो मेरा एक दिन का घंटा हो गया 5-6 हजार का, राइट। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी इज, राइट, ओपीएम ओपीटी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज है, ये बिजनेस में क्रिएट एसेट क्रिएट हो सकता है। क्या आप देखिए, अगर आप कोई धंधा ढूंढ रहे हैं उसमें एसेट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो दिस इज द एमवे इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। मैं देखा है U35 लोग के पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत टाइम होता है, कुछ करने की तमन्ना होती है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। आप देखिए बाजार में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हियर इफ यू बिल्ड दिस बिजनेस टू सर्टन लेवल योर इनकम, आपकी इनकम आती रहती है। यानी एक बार काम तो उसका पैसा बार बार आ रहा है। एक पावरफुल नया कंसेप्ट चला है, उसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। सबका गोल होता है घर पर बैठ के काम करेंगे, राइट। सो ये बिजनेस में वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी है, राइट। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम सिंस लास्ट 6 मंथ्स, गेटिंग एज मनी जो नॉर्मल टाइम में बन रहा था उससे ज्यादा पैसा ये बिजनेस में बन रहा है बाय वर्किंग फ्रॉम होम, राइट। फ्रीडम ऑफ वर्क, यहाँ काम करने की चॉइस है, आपको टाइम है तब करो, फ्लेक्सी टाइम है, संडे है, जब करे कर सकते हो। सो ये सब ब्यूटी है, दीज आर द थिंग्स विच इज मेकिंग एमए बिजनेस मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। और इसलिए हम उसको कंपेयर करके बोलते हैं कि एमए जैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, राइट। फ्रीडम ऑफ नो फिक्स आवर्स, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, यू नो। देखिए बाजार में मेंटर्स नहीं है, यू डोंट हैव मेंटर्स इन द मार्केट, राइट। यू डोंट हैव राइट पीपल टू कोच यू इन दिस बिजनेस, आपको हैंड होल्डिंग हो रहा है, राइट। आपको कोई सही आदमी जो एमए में सफल है वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप भी कैसे सफल हो पाए। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल थिंग। आई टेल यू, इफ यू गो टू लीव फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो एंड लर्न फ्रॉम शिव खेरा, 45,000 रुपीज का सेशन होता है, सैटरडे शाम को चालू करते हैं, संडे सुबह को खत्म करते हैं, एक दिन का 40-45 हजार रुपए का फी है। वो आपको सिखाएगा, मोटिवेट करेगा, 3 दिन के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार वो तो मोटिवेशनल स्पीकर, वो कर सकता है, मेरे तो धंधे के प्रॉब्लम कुछ और ही है, मेरे से ये नहीं होगा, राइट। सो बाजार में लोग ऐसा आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोग मेंटर कर सकते हैं टेम्पररीली, जो खुद एमए बिजनेस नहीं कर रहे पर एमए के लिए मोटिवेट कर सकता है। बट एमए बिजनेस में क्या है, एमए में जो सक्सेसफुल है वही हमारे को सिखाते हैं कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एमए। इट इज वेरी पावरफुल, राइट। देखो बाजार में फाइनेंस एजुकेशन की कमी है, राइट। वी हैव दैट सपोर्ट, ओके। अर्ली रिटायरमेंट बाजार में नहीं है, ये बिजनेस में, एमए बिजनेस में वी हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। आप देखिए आज का यूथ सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, वो मधुमक्खी की तरह लगा हुआ है वो उसके छत्ते पे, राइट। पर अगर मुंडी ऐसा मोबाइल में डाल के अगर हम मुंडी कुछ कर रहे हैं ना, तो हम व्हाट्सअप से पैसा बना रहे, फेसबुक से पैसा बना रहे और इंस्टाग्राम से पैसा बना रहे। अगर आप भी उस पे हो तो आप उसे पैसा नहीं बना रहे हो, राइट। बिकॉज दिस बिजनेस इज नाउ स्लोली गेटिंग इनटू सोशल सेलिंग एंड सोशल सेलिंग के मोड में घुस रहा है मेरा बिजनेस, राइट। और बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, ओके। देखो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
आज ईमेल फ्री हो गया, यहाँ से बम्बई फोन करो, बड़ौदा फोन करो कि अमेरिका फोन करो, सेम पैसा लगता है। इनफैक्ट फ्री हो गया सब कुछ। आप आज ऐसा क्या कर रहे हो, क्या ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो कि आप ये फ्री जो टेक्नोलॉजी फ्री हो गई वो आपके बिजनेस में आपके एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हो? द आंसर इज नो। राइट, स्वयं में बिजनेस में ये सब चीज है। हस्बैंड वाइफ सेम गोल से काम करते हैं। मैं बताऊँ आपको व्हाई एमवे बिजनेस इन दिस हार्ड टाइम्स। हेल्थ यानी हेल्दी, इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन, ये तीन इतने बजिंग वर्ड्स है, इतने बजिंग वर्ड है, आप बिलीव नहीं करो। कोई भी चीज के ये तीन चीज को जोड़ो ना, वो चीज बिकने लगी है इतना। और हम बता रहे, हम ये सब सब्जेक्ट में पायोनियर है। आज दुनिया 6 महीने से 3 शब्द समझ रही है, एमवे बिजनेस हमारे को लास्ट 50 साल से 60 साल से समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बाजार में भी बहुत सारे होर्डिंग में एड लगी है अक्षय कुमार की, तेल की एड है, उसमें लिखा है ए और डी विटामिन, इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन। और मैंने डॉक्टर से चेक किया कि ए और डी विटामिन को इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। राइट, फिर भी ए और डी विटामिन के ऊपर लिख दिया इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन, तो वो उसका तेल बिक जाने वाला है। आप सोचिए, इतने हॉट वॉश हॉट, और वो भी अक्षय कुमार कहता है, सोचिए। राइट, सो इतना हॉट ये चीज है, तीन शब्द, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये सब चीज के लिए हम लोग, यू नो, वी आर द पायोनियर्स। एमवे इज अ पायोनियर, न्यूट्रीलाइट इज द ट्रेंड सेटर। ओके, सो दूसरा इंटरेस्टिंग एसोसिएशन है, वी हैव एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियली फ्री पीपल। ये बिजनेस को कुछ सर्टन लेवल बिजनेस बनाने के बाद देयर इज नो स्ट्रेस। राइट, हर महीने पैसा कमाने का स्ट्रेस खत्म हो गया है। राइट, सो ये सब फायदे है ये बिजनेस करने के लिए। राइट, सो मेनी थिंग्स। राइट, बेसिकली यू गेट अ विजन एंड मिशन। माई पर्पज वॉज टू गिव यू सम विजन अबाउट द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। राइट, हमारा क्या मिशन है ये भी हमने बताया, बिकॉज जॉन मैक्सवेल बताते हैं कि बीइंग अ लीडर यू नीड टू शेयर ओनली टू थिंग्स, विजन एंड मिशन। जो करने वाला है वो करने लगेगा। राइट, सो वी आर सो हैप्पी, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने सही टाइम पे एमवे बिजनेस कर लिया। आज इसको एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, लोग भागा दौड़ मची है, लोग का बैंक बैलेंस माइनस हो रहा है, हमारा तो बढ़ रहा है, बिकॉज खर्चे ही नहीं है और बैंक बैलेंस बढ़ ही रहा है। राइट, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। राइट, so my suggestion to all new people or young people or dynamic people on this team, on this screen, ki aap samajh, aap usko study kijiye business ko, aap proud feel karenge ki iske jaisa business ye prithvi pe nahi hai. Right, we are so blessed to be in Amway and Breed Worldwide. Right, thank you Unni ji for this wonderful question, and back to you. Thank you Nimesh ji, aapne sahi information diya. Aaj jitna bhi log idhar screen pe ho, dekh rahe ho aap ye opportunity ko, उसको इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है। और कहाँ मिलेगी इतना सारे एक साथ में, कहाँ ये सब कुछ एक साथ में मिल रहा है, ऐसा अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग सुनेंगे डॉक्टर गणेश जी से और भगवती जी से। तो अभी आपने आप सक्सेसफुल प्रोफेशन से सुना, अभी हम सक्सेसफुल एजुकेशन से हम लोग सुनेंगे। तो हम सुना उनको, गणेश जी को जब सुना तो बहुत सारा डिग्री का बात करते हैं। तो शुरू का डिग्री शुरू किया था तो कहाँ से कितना डिग्री, कब कितना टाइम लगाया हुआ इतना सारा डिग्री लेने के लिए? तो विहान इनको स्पॉटलाइट में लेके गणेश जी को, तो वंडरफुल वेलकम गणेश जी। तो आप इतना सारा डिग्री लेते हुए उसके बीच में आपको टाइम कब मिला यहाँ पे बिजनेस को देखने में, है ना? देखने के बाद आपको समझ कैसे आया, आप किस पर्पस से इतना सारा स्टडी कर रहा था, क्या था आपका गेम, एंड उसमें से आपको बिजनेस देखने का मौका मिला, एंड उसमें से आपको समझ में आ गया? लोगों को हम सालों तक दिखा रहे, समझ में नहीं आता, आप इतना पढ़ने के बीच में भी समझ में आया, ये कैसे हुआ? आपका थोड़ा स्टोरी आप शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा आप दोनों। थैंक यू, बहुत दिनों के बाद आपकी मुलाकात हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम डायमंड साथ में खाना खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनील भाई जी के साथ में, सुनील भाई हमको मौका दिया आपको मिलने के लिए। या थैंक यू, ऑल क्रेडिट गोज टू ब्रीड वर्ल्डवाइड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कुलीन जी मीना जी के साथ परसों ही हमारा एमरल्ड क्लब हुआ, बहुत बढ़िया टॉक रहा वहाँ पे। उन्नी कृष्णन जी भी थे उस दिन हमारे साथ में। तो दोस्तों, जैसा मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जैक्टली मैं ये बिजनेस में कैसा आया, तो पहला थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसा बहुत बार लोग क्या सोचते हैं कि मुझे बिजनेस की क्या जरूरत है, जैसा मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ मेरे फैमिली का। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने जैसा डिग्री मैं बताता हूँ, उसके पीछे रीजन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं,
तो उसके वजह से मुझे डिग्रियां दिखाना पड़ती है। तो मैंने जैसा एमएससी किया, बाद में एमएड किया, बाद में मैथ्स में पीएचडी किया, उसके बाद डीबीएम किया, 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किया मैंने इंटरनेशनल जर्नल में। उसके बाद मैं गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज बोल के नांदेड़ में, वहाँ पे एज अ लेक्चरर बोल के इन द ईयर 1991 ज्वाइन हुआ। 1993 में मेरा मैरिज हुआ, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ बैठी है भाग्यवती। और क्या हो गया, 1994 में मेरा जॉब चला गया। अभी आपको पता है इंडिया में बहुत सारा रिजर्वेशन ये वो सब चक्कर रहता है, तो जॉब मिलाना एक चीज है और जॉब को टिकाना दूसरी चीज है। अभी जब मेरा मैरिज के बाद जॉब चला गया तो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया मेरा, क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी सडनली अगर उसका जॉब जाता है तो सिचुएशन क्या आ सकता है, जिसका जॉब जाता है उसको भी पता चलता है। जैसा अगर आप किन को पूछोगे, अगर वो बोल रहा है मेरा पेट बहुत दुख रहा है, तो आप उसको ऐसा नहीं पूछ सकते हो कितना दुख रहा है, जिसका दुख रहा है उसको ही पता चलता है। तो जिनका जॉब जाता है उसको ही पता चलता है। उसके बाद मैं जाके हमारा खेती था, तो खेती करना शुरू किया तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे गुस्सा किया। तभी भी मैं बोला नहीं नहीं अपने को अपना खुद का कारोबार चाहिए। पर खेती में क्या होता है आपको पता है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत सारे इंडिया में, उसके वजह से मेरा जो अच्छा था कपास, और वो तमिलनाडु में लो बेल्ट फॉर्म हो गया और 5 दिन बारिश गिरा और पूरा मेरा कपास चला गया। तो 1994 में मैं 70,000 रुपीज लॉस चला गया। फिर दोस्त ने बोला यार खेती आप नहीं कर सकते, तो फिर मैं बॉम्बे चला गया और वन ऑफ द रिनोन कॉलेज इन एशिया सिंडैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरे स्टूडेंट है, जैसा अगर आप मराठी मूवी देखते होंगे, स्वप्निल जोशी मेरा स्टूडेंट है एक्टर। उसके बाद रितेश देशमुख है, वो मेरा स्टूडेंट है। उसके बाद में शंतनु चक्रवर्ती, जो शान में सिंगर है ना, वो जो कलर्स पे आता है शान नाम से, ये सब मेरे स्टूडेंट है। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट आज इतने बड़े बड़े मुकाम पे है और उनके ऊपर मुझे 1% रॉयल्टी इनकम नहीं आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर ऐसा कुछ मॉडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन करता है कि टीचर के जो स्टूडेंट है वो बड़े बनेंगे तो उनका 1% हम दे देंगे, तो टीचर कम्युनिटी सबसे बढ़िया बनेगा। अभी क्या हो गया, मैं बॉम्बे चला गया तो मैं मंथली हस्बैंड बन गया, और मेरी वाइफ वो बॉम्बे में आना नहीं चाहती थी। उसके जो अंकल है वो एक्स मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है, तो बचपन उसका मलबार हिल में गए वाला है, तो बॉम्बे का लाइफ स्टाइल वो पसंद नहीं करती। और मेरे पापा जो है रिटायर्ड सेल टैक्स ऑफिसर है, मेरे एल्डर ब्रदर डॉक्टर है, उनकी वाइफ डॉक्टर है, उनके दोनों भी बेटे अभी डॉक्टर बन रहे हैं, मैं प्रोफेसर, मेरा वाइफ टीचर। मैं जब ये बिजनेस में कैसा आया, जैसा आपका क्वेश्चन था, तो मैं बॉम्बे में था तो ये आने के लिए तैयार नहीं थी ना बॉम्बे में। तो फिर मैं सोचने लगा कैसा करने का, फिर बोला अभी फैमिली लाइफ बचाने का है तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर इसको जॉब लग गया नांदेड़ में एज अ टीचर, और फिर मैंने नांदेड़ के नजदीक एक उदगीर बोल के लोकेशन है, वहां पे मैंने जॉब ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर, और मैं वीकली अप डाउन कर रहा था। अभी हमारे मैथ्स के पेपर बहुत रहते, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको पता होगा, तो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी नांदेड़ यूनिवर्सिटी का पेपर असेसमेंट होगा, हमारे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी बुलाता है, तो मैं पेपर असेसमेंट के लिए बोल के औरंगाबाद गया और स्टॉप पे खड़ा था। बाजू वाले इंसान ने मुझे टाइम पूछा, मैं टाइम बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, मैं बोला यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, कहीं के लिए जा रहे हो। अभी हमारा ईगो अंदर आ गया, जो पढ़े लिखे वाले लोग रहते ना उनका ईगो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये बोलते हैं ना एजुकेशन से आदमी सुशिक्षित बन सकता है, सुसंस्कारित बनने की कोई गारंटी नहीं है, हमारा राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो मैं उनका टाइम बोल दिया और फिर कोई बातचीत नहीं किया उन्होंने, मैं बोला कॉन्फिडेंशियल वर्क है नहीं बता सकते। और लकीली क्या हो गया, बस नहीं आया, फिर हम शेयरिंग ऑटो में जाने लगे और वो बाजू वाले बच्चों को पूछने लगे आप कहीं के लिए जा रहे हो, बोले हम एमएससी करने के लिए जा रहे हैं। मैं बीच में ही बोला क्यों एमएससी कर रहे हो, अननेसेसरी टाइम खराब कर रहे हो, एक अंडे का गाढ़ा डाल के बैठ जाओ, आपको रोज पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो बोले यार आपके विचार बहुत ही निगेटिव है। तो मैं बोला निगेटिव वर्ड मुझे स्ट्राइक हुआ, आई एम अ मैथमेटिशियन नो, तो बाय द वे मैं बोला आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया प्रदीप काकड़े। और मेरे जो सीनियर मेरे साथ कलीग थे रमेश बोल के, वो पीएचडी प्रोग्राम में मेरे साथ में थे, वो लकीली उनके भाई निकले। मैं बोला आपके घर आया था, आप तो कभी मिले नहीं मुझे, बोले मैं ज्यादा घर पे नहीं रहता। फिर क्या हुआ, हम उतरने के बाद चाय लिया और उन्हें एक बुक दिया मुझे, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। अभी इन द ईयर 2000 किन के भी पास में मोबाइल नहीं रहता है, तो उन्होंने बोला कोई कॉन्टेक्ट नंबर है क्या आपका। मैंने बोला 350 रुपए का बुक तो दिया है आपने, वापिस कैसा देंगे। तो उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर लिया मेरा। नेटवर्क इश्यू हो रहा है।
मैंने बोला ठीक है 6 बजे आपका मीटिंग है तो मैं ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि वो तो स्ट्रगलिंग 36% थे एमबे बिजनेस में, तो मैंने बोला आई विल ड्रॉप यू, ठीक है। तो फिर प्लान देखने के बाद मैं ड्रॉप करने के लिए बोल के उनको गया, यार उनका भी हिम्मत नहीं हो रहा था मुझे मीटिंग बुलाने का, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज कम था ना, मेरा तो प्रोफेशन स्ट्रांग था। तो मैंने ही पूछा मैं आ सकता हूँ क्या मीटिंग को, अभी वो खुश हो गए तो बोले आ सकते हैं। तो मैं मीटिंग में जाके बैठा और एक बंदा आया था गोल्ड प्रोड्यूसर जालंधर से, वो बोल रहा था लोग नहाएंगे आपको पैसे आएंगे, लोग ब्रश करेंगे आपको पैसे आएंगे। मैं सोचने लगा यार ये सबेरे से इसको पागल बनाने के लिए कोई मिला नहीं क्या, बोला इतने साल से मैं ना रहा हूँ कभी पैसा नहीं आया, पैसा जा ही रहा है और ये बोला आने वाला है। और लकीली रिकॉग्निशन में एक कपल आया स्टेज पे और वो मेरे पहचान के थे और उनका बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस का यूनिट था नांदेड़ में 30 लाख रुपीज का, तो मैं उनको रिलेट कर गया। फिर घर पे आया डिसीजन लेके चलो करके देखते हैं, तो वाइफ ने बोला कोई नया चक्कर में नहीं जाने का। फिर मैंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया, मैं मैथमेटिशियन हूँ तो हम लॉजिकल थिंकिंग करते, तो मैंने एक कपल का स्टडी किया, उनका नाम है समीर नीला काकोड़कर, प्रोफाइल से स्टडी किया, तो मेरे स्पॉन्सर प्रदीप जी ने दिया था मुझे, तो वो गोवा के उनके ग्रैंडफादर फर्स्ट सीएम, उनकी मम्मी सेकंड सीएम, वो फार्मा लाइन में बड़े पोजीशन के ऊपर, दोनों बीबी फार्मा एम फार्मा हस्बैंड वाइफ, 40 साल के उनका आयन एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैं बोला ये बंदा अगर ये बिजनेस को कर रहा है, मैंने मिसेज को समझाया और मैंने फिर डिसीजन लिया और मैंने इसको सीरियस शॉट देने का सोचा। अभी क्या हो गया, मैं सीरियस शॉट देने का सोचा पर क्या रहता है, जो नौकरी करने वाला आदमी रहता है ना आलसी रहता है, तो मेरा अप्रोच थोड़ा कैजुअल था। और सडनली एक दिन सैटरडे में जब घर पे आया, हमारे बाजू में एक डेप्यूटी इंजीनियर रहते थे और मिसेज ने बोला वो कार एक्सीडेंट में चले गए। अब मुझे उस रात को नींद नहीं आई, मैंने मिसेज को बोला कि हम एमवे बिजनेस तो देखे है पर उसको सीरियस शॉट नहीं दे रहे, तो बोला अपने को सीरियसली लेना पड़ेगा एमवे बिजनेस को, क्योंकि मेरा इनकम मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे बाजू वाले के साथ हादसा हो गया तो उसका इनकम बंद हो गया। फिर मैंने कोई मामा को नहीं पूछा, काका को नहीं पूछा और सीरियस शॉट लेके मैंने एमवे बिजनेस शुरू करना शुरू किया। अभी टाइम चैलेंज था, सवेरे 4:15 बजे मैं गाड़ी पकड़ता था, तो मेरी वाइफ 2 बजे उठती थी टिफिन बनाने के लिए, कितना बढ़िया लाइफ था मेरा। 4:15 बजे गाड़ी पकड़ता था, 7:30 बजे मेरा लेक्चर रहता था, 3:30 बजे बस पकड़ के और वापिस आता था। आपको भी पता इंडिया के रोड कितने बढ़िया है, अभी अहमदाबाद के तो रोड बढ़िया है पर हमारे इधर के जो इंटरनल रोड बहुत खराब है, तो 110 किलोमीटर जाना 110 किलोमीटर आना, 6 घंटा पढ़ाना और शाम को 7 बजे आने के बाद 7:30 बजे बैग लेके बाहर निकलना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, 12 बजे तक काम करना, 12 से 1 मेरा जो बड़ा टीम है आप सबको पता है, फाउंडर डायमंड राजकुमार एंड सीता मोरे, उनके साथ उनका काउंसलिंग करना और 1 बजे सोना और 2:30 बजे उठना, बाकी का नींद बस में होता था मेरा। तो ये मेरा सिचुएशन था। तो जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, देखो ईश्वर ने बिल गेट्स को भी 24 घंटा दिया है, आपको भी 24 घंटा दिया है, मुझे भी 24 घंटा दिया है, आपको आपके समय को मैनेज करना पड़ेगा। ईश्वर ने किन के ऊपर अन्याय नहीं किया, आपको डिसाइड करना है कि आपको एमबीए बिजनेस के लिए टाइम कब निकालना है। उन्नी कृष्णन जी, तो भाग्यवती जी आपको कुछ ऐड करना है? तो हमने प्लान देखा है और हमारे स्पॉन्सर घर पे आके हमको प्लान दिखाया, क्योंकि वो हमारे लिए स्ट्रेंजर थे ना, तो अजनबी थे, तो प्लान दिखाया। लेकिन जब प्लान दिखाया तो हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि बिजनेस चलता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या। हम फुल टाइम काम करके 10-20 हजार कमाते हो, यहाँ पे पार्ट टाइम 50 हजार बोल रहे, तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन प्लान इन्होंने स्टडी किया पूरा, सीडी सुना, कैसेट सुना, बुक्स पढ़े, फिर बाद में कैसा, बाद में बड़ा फंक्शन था एफडी मुंबई में, तो फंक्शन अटेंड करने को हम गए, वहां देखा कि बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, फिर पोटेंशियल देखा कि डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बहुत सारे लोग है ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे, ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है और ये बिजनेस का पोटेंशियल पता चला और ये बिजनेस हम कर सकते हैं, विश्वास हो गया। और सबसे पहले हमने क्या किया, खुद के ऊपर फेथ रखा और हमारे स्पॉन्सर जो प्रदीप पाकड़े उनके ऊपर फेथ रखा और हमारे मेंटर और कोच किरण स्नेह देसाई उनके ऊपर 100% फेथ रखा और कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। तब से डिसीजन लिया फंक्शन अटेंड करने के बाद कि बिजनेस अभी वो लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, और तब से आज तक इनको मैं पूरा 100% मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ और कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, क्योंकि मेरा भी जॉब है, ज्वाइंट फैमिली था, बच्चे छोटे थे, हमेशा हम अभी तक हमने फंक्शन, मेरी 2 महीने की बेटी थी तब भी हम फंक्शन अटेंड किए, तो कभी एक्सक्यूज नहीं दिया किसी केस का। तो वही करना है आपको कि हमेशा खुद के ऊपर फेथ रखो, जिसने बुलाया उसके ऊपर फेथ रखो और उनको प्लान जो बोलता है उसको 100% सुनो, 100% आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये बिजनेस क्या, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस है,
और हेल्थ भी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं अभी ये सिचुएशन में, पैसा भी आने वाला है, ड्रीम्स जो देखे सपने वो भी पूरे हो गए, जो नहीं देखे वो भी सपने पूरे हो गए, और हमेशा हम ये बिजनेस को एंजॉय करते करते हैप्पीनेस भी देता है ये बिजनेस। तो इस तरीके से आपको वही करना है, ये बिजनेस बिल्ड करते कभी एक्सक्यूज नहीं देना, अपने अपलाइन को 100% सबमिट होना है और सिस्टम को फॉलो करना है। थैंक यू। थैंक यू गणेश जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो ऐसा सोच चले जाए पीछे का कई सालों के पीछे कि जिंदगी कहाँ से टर्न होता है, इट्स ऑल गॉड्स मास्टर प्लान, इसलिए बोलते हैं ना। तो आज जितना भी लोग आज ये सुन रहे हो, आप इधर ऐसा ऑटोमेटिक नहीं है, इट्स ऑल गॉड्स मास्टर प्लान, अदरवाइज आप इधर नहीं होंगे। उस वक्त पर आपका पास वो टाइम नहीं पूछा कि टाइम क्या हो गया, टाइम कहाँ हुआ, आपने समय को आंसर नहीं दिया, तो ये सब चक्र शुरू नहीं होते है ना। शायद आप उसका साथ में मीटिंग में ना गया हो तो अब उन्होंने कैसे हिम्मत लगाया, उस जमाने में आपको किताब दिया वो एजिक ऑफ थिंकिंग बिग और कुछ नहीं किया है ना। आज हम किताब देने के बाद में इतना टेंशन ले रहे हो, तो 20-22 साल पहले आपको किताब दिया था। तो ब्रिटिश वर्ल्ड वाइड सिस्टम उस जमाने से भी लोगों को किस तरीके से बिजनेस में लेके आते थे, अगर वो कैसेट नहीं दिया होता आप कैसे रेफर करते, या प्रोफाइल नहीं दिया तो आप समीर कक्कर को देखेगा कैसे, और एफईडी में नहीं गया तो आपका विश्वास कैसे बनते हैं। तो ब्रिटिश वर्ल्ड वाइड सिस्टम एक बड़ा सा बढ़िया से कोयला को डायमंड बनाने के लिए कैसे काम लगा दिया। तो जितना भी लोग इधर बैठे, एक अचानक बनने वाले अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट विल टेक टाइम, बी रेडी टू चेंज। बहुत अच्छा आपने आपके पास से सुनने मिला, तो ये चीज आप सब लोगों का काम आया, बहुत अच्छा लगा आज का दिन आपका ये टॉपिक से। सेकंड आपको ये पूछना चाहता हूँ मैं गणेश जी, आप इतना बड़ा बिजनेस इतना टाइम नहीं थे, 1.5 घंटा ना, रात को 1 बजे सोते थे, 2:30 बजे उठते थे टिफिन लेके, 2:30 बजे सबसे नमस्कार करना भाभी जी को, आपने टिफिन लेके दे देते देना पड़ता है तो वही है, तभी बर्गर नहीं मिलता था, तभी टिफिन देना अकेले रहते थे नहीं रहते। तो आप उसी टाइम में भी आप इतना काम किया है, एक टीम को खड़ा किया, एंड आपका अंदर अभी फाउंडर्स डायमंड का बड़ा इतना बड़ा टीम हुआ, बड़ा अभी तो बड़ा हुआ, मगर उस जमाने में उसको तो मोल्ड किया होगा ना, आपने टाइम लगाया ना, है ना। निमेश जी जैसे बद्रीश भाई के साथ में लगा दिया, जैसे आपने लगा दिया, कहीं तो कुछ किया, आप इतना बड़ा उसको बनाने में आपको कितना किस तरीके से आपने काम किया था, एंड उससे आपको रिजल्ट कैसे मिलता, फल आजकल उसको मेहनत का फल कैसे है, आप देखो टाइम कैसे लगा रहे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब मैंने बिजनेस को देखा था तो मेरे स्पॉन्सर ने एक स्मार्ट वर्क किया था मेरे साथ। उन्होंने क्या किया, जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ मेरे एक होटल में लेके गया और वहाँ पे फॉलोअप लिया 5-10 मिनट का, और फॉलोअप के बाद बोला एक सांगली में फंक्शन, तो मैं मिसेज को क्या बोला, पेपर चेक कर करके बोर हो गया हूँ, थोड़ा सांगली जाके आता हूँ बोला, इसके साथ ही क्या है थोड़ा देख के आता हूँ बोला, इसका सीनियर कौन है। फिर सांगली गया, फंक्शन अटेंड किया, और हमारे जो मेंटर है किरण और स्नेह देसाई जी, उनके पास मारुति कार था, तो वो मेरा स्पॉन्सर उसमें बैठ के चला गया मुझे अकेला छोड़ के। तो मैं बोला यार इनको तो मुझे मिलना है, तो मैं रात को वहां पे रुक गया सांगली में, और सवेरे उठ के उनका घर ढूंढ के उनको मैं मिलने गया। पांच वहां से मिले तो मुझे आधा घंटा लगा घर ढूंढने के लिए, पर मैंने ढूंढ के निकाला, और देसाई सर के घर पे जाने के बाद मेरा कुछ मेंटल ब्लॉक था, निकल गया। तो मैं डिसीजन लेके आ गया, और मुझे एक सीढ़ी दिया था, तीर्थंकर दत्ता का सीढ़ी दिया था, तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता का एक्सक्यूजेस और लाइफ स्टाइल बोल की सीढ़ी था, और उसमें मैं कनाडा जाने का पूरा फाइनल हो गया था, मैं 2 लाख रुपए घर के भी ला के रखा था देने के लिए कंसल्टेंट को। तो वो सीढ़ी में तीर्थंकर दत्ता ने क्या बोला, गुलामी करना है तो अपने देश में करो, बाहर जाके करने की क्या जरूरत है, और वो लाइन मेरे दिमाग में बुलेट के जैसी घुस गई। और फिर मैंने सीरियस शॉट देके बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। मैं बोला एक इंडियन आदमी जो 25 साल से अमेरिका में नौकरी कर रहा है वो बोल रहा है ऐसा, तो बोला कनाडा जाने का आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया। और मैंने जैसा ही ब्रिट काउंटर पे गया, मैंने जितना कैसेट था वो स्टाफ को बोला, जितना कैसेट है ब्रिट के स्टाफ को बोला वो पूरा दे दे। अब मेरा मिसेज का झगड़ा हो गया, मैंने FD ब्रेक करके कैसेट किताबें सब लेके घर पे आ गया। अब मेरा मैं 9% गया और मेरे डाउन ले भी 9% गया, वो IIT बॉम्बे से MTech है मानिक रोड के बोल के, वो डांस कर रहा है मैं भी डांस कर रहा हूँ, पर घर में पैसा नहीं आया। अब मुझे मालूम था पैसा आने वाला है, पर मिसेज झगड़ा करने लगी, मैंने 272 रुपए का चेक है और आप इतना कैसेट लेके आए, इतने किताब लेके आए, वही खाओ बोले अभी आप। अब मैं स्टडी कर रहा था ना, क्योंकि मुझे एक मालूम था PhD करने के लिए 6 साल पढ़ाई करना पड़ा, 2 लाख रुपए जेब से लगाना पड़ा, इधर के बाल उसके वजह से ही चले गए, इधर के बच गए क्यों पता है, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एमवे की वजह से, ठीक है।
तो मैं बोला इतना पढ़ाई करने के बाद 500 रुपए सैलरी बढ़ा है, ये बंदा बोल रहा है 50,000 पार्ट टाइम में कमाने का है तो नॉलेज लेना पड़ेगा। तो हमने नॉलेज लेना शुरू किया। देखो एक चीज ध्यान में रखो, यूर सेल्फ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार क्या होता है, लोग एमबीए में आते हैं नॉलेज नहीं लेते और दो चार लोगों को बात करते हैं और शहीद हो जाते हैं, बाद में आपका फोन भी नहीं उठाते। तो आपको एक ही सिंपल मैसेज है, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज नथिंग विल हैपन। जैसा निमेश जी अभी बात कर रहे थे, तो आर्किटेक्चर करने के लिए उनको बहुत टाइम लगाना पड़ा ना, उसके बाद उनको प्रोफेशन में एकदम पहले दिन तो प्रैक्टिस नहीं चलाऊंगा उनका। कोई भी प्रोफेशन में पहले नॉलेज लेना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। सेम थिंग इन एमवे बिजनेस, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया, इतना बड़ा बिजनेस, तो एक बार राजकुमार मोरे मेरे तरफ आए थे, थिन थ्रेड रिलेशन है, मेरा पीएचडी का काम चल रहा था, तो मेरे कॉमन फ्रेंड थे। उन्होंने क्या बोला, आपका यूनिवर्सिटी में कुछ काम है, तो ये मेरे दोस्त थे राजकुमार, तो इतना ही हमारा फ्रेंडशिप हो गया था। और वो इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने के लिए मेरी तरफ आए थे, एडमिशन कमिटी में था मैं, तो मैं बाजू में ले लिया उनको थोड़ा, बोला राजकुमार जी आपका जो जॉब चल रहा है उसके साथ आप कुछ करना चाहते हो क्या? तो वो बोले मेरे पास समय नहीं है। अब मैं कांति लता काला जी को सुन के आया था बॉम्बे जाके, तो मैं फायर्ड अप था मैं 3%, पर कांति जी को सुनने के बाद क्या रहेगा। तो मैंने बोला राजकुमार जी आप अभी प्रोफेसर हो, टाइम नहीं है बोल रहे हो, जब आपका गोल क्या है बोला जिंदगी का, तो उन्होंने बोला मुझे वाइस चांसलर बनना है। बोला वीसी बनने के बाद आपके पास टाइम रहेगा क्या? वो बोला नहीं नहीं वीसी बनने के बाद टाइम कहाँ रहेगा। बोला सही में टाइम चाहते हो जिंदगी में? वो मेरे को नीचे से ऊपर देख रहे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब कर रहा। वो बोला तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? मैं बोला आपको चाहिए जानकारी तो टाइम देना पड़ेगा। और मैंने उनका टाइम बुक किया, उनको जाके कंसेप्ट शेयर किया। अब उनके अंदर क्या था, वो थोड़ा किताबी नॉलेज ज्यादा रहता है ना, तो उनका वाइफ हाउसवाइफ था। वो क्या बोला, पाटिल साहब 50,000-1,00,000 सर के ऊपर से जा रहे हैं, 2,000 रुपए घर का किराया भी निकल गया तो बहुत हो गया, और 2,000 रुपए रेंट के लिए हमने बोला स्टार्ट कर दो। और उन्होंने स्टार्ट किया, फिर हमने थोड़ा सा रिलेशनशिप, मेरे मिसेस का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप किया सीता जी के साथ, क्योंकि मैं तो जाना ना करता था ना, और उनको तैयार किया एफडी के लिए। और जाते वक्त बहुत मेरा सर खा रहे थे राजकुमार जी, कुछ भी करता है पागल के जैसा, कहाँ पे भी लेके जाता है। रात भर सोने नहीं दिया, क्योंकि टाटा सुमो बुक किया था मैंने मेरे पैसे से बॉम्बे जाने के लिए, और 10 लोगों को डाल के लेके गया था मैं टाटा सुमो में। 550 किलोमीटर डिस्टेंस है नांदेड़ से बॉम्बे, तो वो सर खा रहे थे मेरा रात भर, और आते वक्त रात भर मेरा सर खा रहे थे कि मुझे डायमंड जाना है। मैंने बोला आपको किन्होंने रोका है? फिर उसके बाद हमने उनके साथ काम किया रेगुलर, रोज ब्रीड ओपन वगैरह नहीं थे, हम होम मीटिंग शुरू कर दिए उनके लिए, रेगुलर होम मीटिंग लेना शुरू किए, बिजनेस को अलग अलग टीम में आउटस्टेशन में बढ़ाना शुरू किए, करते 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 उनका एम्पायर खड़ा हो गया। तो इस तरह से हमने बिजनेस को बड़ा किया। तो आपको एक ही चीज सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ, ये बिजनेस में ABCD इंपॉर्टेंट है। ए मीन्स वॉट, आपका एटीट्यूड राइट चाहिए, और आपका एटीट्यूड बोलते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड, ने क्या आपके साथ जब बुरा हो रहा है तब आप कितना पॉजिटिव बिहेव करते हो, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके साथ सब अच्छा हो रहा है तब आप डांस कर रहे थे, उसको पॉजिटिव नहीं बोलते, वो तो सब दुनिया करती है, पर आपके साथ सब बुरा हो रहा है तब आप डांस कर रहे हो तो उसको एटीट्यूड बोलते हैं पॉजिटिव। दूसरा आपका बी यानी कि आपका बिलीफ, आपका बिलीफ चाहिए ब्रिट सिस्टम के ऊपर, एमवे के ऊपर, खुद के ऊपर, आपके मेंटर के ऊपर, ये बिलीफ चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, एमवे के प्रोडक्ट के ऊपर। सी क्या है पता है, कमिटमेंट चाहिए, विदाउट कमिटमेंट नथिंग विल हैपन, ठीक है। दूसरा है डी, आपका डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। वो बोलते हैं ना डिजायर माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू डिजास्टर। बहुत लोगों को मर्सिडीज बेंच चाहिए और उसके लिए कीमत चुकाने की तैयारी नहीं रहती, आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। और मेरी मिसेस थोड़ा बात करेंगे आपसे। जब राजकुमार सीताजी को साइन किया, सबसे पहले तो बिजनेस में इम्पोर्टेंट है देखो रिलेशनशिप। मैंने उनके साथ इतना हमारा रिलेशन अच्छा हो गया जैसे घर के जैसा, तो उनके साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन बिल्ड किया। रिलेशनशिप से क्या होगा कि हम जो बोलते थे वो सुनते थे, और उनकी भी खासियत एक थी कि हम जो बोलते थे वो हमेशा वो 100% हमारा सुनते थे। ऐसा कभी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया, बच्चा छोटा तो भी था उनका 1 साल का, तो भी वो एफडी आए बच्चों को छोड़ के अपने मम्मी के पास, तो हम जो बोलते थे वो सुनते थे। बोले तो एक आइडियल ओबीडियंट स्टूडेंट बोलते हैं ना, उसमें उनमें वो क्वालिटी थी। वो अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको ओबीडियंट बनना पड़ेगा, और अपने भलाई के लिए, अपने सपनों के लिए। तो हमेशा उनको हमने रिलेशन अच्छा रखा उनके साथ, और उनके लिए हमने जो बेसिक चीजें होती है उनके साथ, जो 4 बेसिक है पहले स्टार्ट में,
तो उनको सिखा दिया, और होम मीटिंग लेते थे उनके लिए, प्रेस मीटिंग लेते थे, और जो भी चीजें उनको सिखा दिया। और उनकी खासियत थी, उन्होंने जल्दी से बिजनेस का जो चार्ज है अपने अपने हाथ में ले लिया, और जो भी बोलते थे वो जल्दी से सुन लेते थे, और हमेशा उनके साथ हम रेगुलर वर्क करते थे। बहुत बार बहुत लेट भी होते थे उनके घर से आने को, हमको कभी कभी रात को बीबीएस होता था नांदेड़ में, तो हम घर पे आने के लिए हमको दो दो बजते थे। बहुत बार रात को टू व्हीलर पे हम आते थे, घर के लोग बोलते थे दो बजे आप दोनों मिलके घर पे आते हो तो कुछ हो, बोलो आपको कुछ हो जाएगा, नहीं बोले हम बोले कि गॉड के ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, हम अच्छा काम कर रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो देखो ये अच्छा काम करे तो कुछ नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से उनके लिए हमने दिन रात मेहनत करी स्टार्ट में, और उनके टीम के साथ भी फ्रेंडशिप, उनके जो टीम लीडर है उनके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड की। तो करते गए उनके साथ बहुत बड़ा बिजनेस उनका हो गया। और वही मैं बोलूंगी कि रिलेशन अच्छा रखो, और उनके लिए हमेशा बोले तो अनकंडीशनल लव करो, कि हमेशा उनके लिए हेल्प करो, खुद का मत सोचो दूसरों का सोचो। अगर आप परमार्थ करते हैं तो स्वार्थ अपने आप मिल जाएगा आपको। तो हमेशा, और अभी जो वो डायमंड बन गए तो उनके साथ इनकम सिक्योरिटी मिल गई हमको। आज हम फ्रूट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, रॉयल्टी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। गए 15 साल से उनके टीम के ऊपर हम कुछ भी काम नहीं करते तो भी हमको रॉयल्टी आ रही। देखो 5 साल पहले हमने कड़ी मेहनत की, कभी रात नहीं देखा दिन नहीं देखा, हमेशा उनके लिए हेल्प के लिए तैयार रहते थे। आपको भी वही करना है, अपनी टीम के लिए बहुत हार्डवर्क करेंगे तो 100% आप भी एक दिन आपके ऐसे रॉयल्टी इनकम का फ्रूट एंजॉय करेंगे हम जैसा कर रहे हैं। थैंक यू। तो देखो जैसा मैं आपको बता रहा था, तो मैंने पहला, मेरा पहला लेग राजकुमार के पहले ब्रेक हुए वाला है। इज एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, मानिक चतुरा रोड के। राजकुमार के बारे में बताना चाहता हूँ, एक महीना उनका एक भी स्पॉन्सर नहीं हुआ था, और एक मेरा दूसरा लेग था उसके 12 लोग स्पॉन्सर हुए थे। वो पूछने लगा ये रोज आके बैठता है तुम्हारे सामने इसका। मैं बोला उनका एक भी स्पॉन्सर नहीं हुआ है, तो बोले मेरे एक दो लोग उनको दे दो। मैं बोला आप आपका देखो, उनका मत देखो, उनका देखने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। और उसके बाद उनको सिखाया हमने, और जिसके 12 लोग साइन थे वो आज बिजनेस में नहीं है, और राजकुमार मोरे आज फाउंडर डायमंड है। तो कहने का मकसद क्या है मेरा, कि आज आपको जो लग रहा है कुछ नहीं करने वाला है, वो आगे चल के आपका बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो सबसे आपने प्यार करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अभी बिजनेस के टर्म्स कंडीशन चेंज हो चुके हैं, जैसा निमिष जी बता रहे थे, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वहां से आपको ह्यूज ग्रोथ आएगा। एमवे की सबसे बढ़िया खासियत क्या है बताना चाहता हूँ, देयर इज नो जियोग्राफिकल लिमिटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको एक तो कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू होता है, और जैसा आप आज इनको सुन रहे थे धर्मेश भाई को, कि ट्रेडिशनल बिजनेस के चैलेंजेस क्या है। मेरा भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी था, वहां पे मैं रात को 2-2 बजे घर पे आता था, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई ट्रेडिशनल बिजनेस करके, कि आजादी नहीं है। गए आज मेरा लास्ट एक एक्सपीरियंस बोल के क्लोज करूंगा मैं, 15 अगस्त 2003 को मैं मिसेज के साथ बैठा, तब मैं फाउंडर प्लेटिनम था, और 5 टाइम मेरा सैलरी रिप्लेस किया था, और इसको बोला आप जॉब छोड़ती है मैं छोड़ू, तो वो बोले आपको आने जाने का तकलीफ है आप ड्रॉप कर दीजिए। 15 अगस्त 2003 को दोस्तों मैंने जॉब छोड़ा, और जिस कॉलेज में मैं प्रोफेसर था वो कॉलेज 15 अगस्त 2004 को शट डाउन हो गया। कहने का मकसद क्या है, कुआं कब खोदना चाहिए, प्यास लगने के पहले। तो उसी तरह से आपको बिजनेस खड़ा करना है, आपका अच्छा वक्त चल रहा है तब, बुरा वक्त फोन करके नहीं आता है। और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, अहमदाबाद की पावरफुल टीम है, बिपिन चंद्र पटेल जी का मैंने देखा है, मुझे तो शॉक लग गया जब पता चला कि उन्होंने गोल्ड लेवल के ऊपर उनका वाइफ जाने के बाद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, यहाँ पे सोलंकी, हंसाबाद सोलंकी है, उनका भी हस्बैंड को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, वो जाने के बावजूद आज हंसाबाद सोलंकी के घर में इतना इनकम आ रहा है। योशित पटेल से हम सीखते हैं, बहुत सारे आपके लीडर यहाँ आके सर्व करके गए हैं, जैसा उन्नी कृष्णन जी नांदेड़ आके गए वाले हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह झाला मेरे बहुत बढ़िया दोस्त है, और एनपी सिंह तो मेरे बहुत बढ़िया दोस्त है, वो हमारे घर पे आए वाले हैं। मेरा ब्रीड सर्किट के लिए मेरा गाड़ी भी उन्होंने लेके गया था। तो बहुत सारा मेरा फ्रेंडशिप है, जैसा सुनील जी ने परसों कॉल किया मुझे, सुनील भाई का भी कमिटमेंट देखो, जस्ट उनके पापा गए उसके बावजूद वो हमें सर्व कर रहे हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, यू आर गिविंग चांस टू मी टू सर्व यू, और मैं ईश्वर को थैंक्स करता हूँ कि मुझे आपको सेवा करने का ईश्वर ने मौका दिया है। बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, आप परमानेंट वीसा के ऊपर नहीं हो प्लेनेट अर्थ के ऊपर, आप टेम्पररी वीसा के ऊपर हो। तो आपको लेगेसी अगर क्रिएट करना है तो सीरियस शॉट देके आपको प्रायोरिटी सेट करके एमवे बिजनेस करना पड़ेगा। थैंक यू उन्नी कृष्णन जी। थैंक यू गणेश जी, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत सारा चीज हमको सीखने मिला आज, एबीसीडी से भी बहुत सब कुछ आ चुका है ना। तो फाइनेंशियल नुकसान के बाद में, जॉब लॉस के बाद में,
इतना सारा चल, आज का जो मीटिंग में जितना भी हमने प्रोफेशनल को सुना, सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का सुना, एजुकेशन से सुना, सब सब लोग ने कुछ ना कुछ हम लोग को छोड़ के दिया। आज जितना भी लोग पहले बार देख रहे हैं प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी, उनको आज का दिन ही वो डिसीजन ले सकता है अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन आज ले सकता है। एंड हम आप सब लोग को थैंक्स ए लॉट, गणेश जी, भद्रेश जी एंड निमेश जी, आपने अपना समय निकाल दिया, आपने इतना विजडम दिया, है ना, तो वंडरफुल एक्सपीरियंस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक्स ए लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।